हेलो फ्रेंड, जैसे कि पार्ट टू के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉक्स स्टेज जो बनता है, देखिए जो बॉक्स स्टेज बनता है, तो पार्ट टू के स्टेज में तो मैंने तो आपको बता दिया था कि बॉक्स स्टेज कैसे बना है। अब बॉक्स में जो आप देख रहे हैं कि पूरा खाली खाली जगह है, अंदर में जो आप देख रहे हैं पूरा खाली खाली जगह है पूरा, तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर में आप क्या कीजिएगा जो ये डेकोरेशन जो है और बेहतरीन लगेगा देखने में। तो इसमें आप तो मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट जो लगता है हरा कलर का जो मनी प्लांट आता है पत्ता 8x8 फीट का, तो वो भी आप लगा सकते हैं पूरा पाटा में। जो पूरा पाटा देख रहे हैं पूरा पाटा में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, चार को पाटा हुआ, चारों पाटा आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। और अगर आप मनी प्लांट आपको नहीं लगाना है तो इसमें और क्या लगाइएगा जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा और सुंदर भी लगेगा। इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, अगर इसमें अगर कुछ भी आप मॉडिफाई करते हैं, कुछ भी आप अगर रीमॉडलिंग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो ऐसे क्या चीज़ लगाएं जिसमें टाइम नहीं लगे ज़्यादा, तो आज का वीडियो इसी पे है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बॉक्स में जो पूरा खाली खाली जगह देख रहे हैं उसमें क्या लगाना है, जो काम भी जल्दी हो जाए और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, मतलब 12x7 का ये बॉक्स हो गया टोटल। मान के चलिए स्टेज का जो है 12x7, 12 फीट इसका लंबाई है और खड़ाई जो इसका है 7 फीट हुआ। तो बॉक्स में आपको लगाना क्या है, ये दोनों साइड का जो आप पाटा देख रहे हैं, पिंक कलर का जो कपड़ा लगा हुआ है दोनों साइड से, देख रहे हैं दोनों साइड से पिंक कलर का कपड़ा लगा हुआ है, उस साइड से भी पिंक कलर का कपड़ा में पाटा में लगा है, इस साइड से भी पिंक कलर का पाटा में लगा है कपड़ा। तो इसमें जो है आप हाफ डी जो आता है 3 फीट वाला या 4 फीट वाला देख लीजिए, जैसे कि यहाँ सामने रखा हुआ हाफ डी, यही हाफ डी हुआ है। इसमें आप 3 फीट का भी हाफ डी लगा सकते हैं और 4 फीट का भी हाफ डी आप लगा सकते हैं। 3x1.5 का हाफ डी हुआ, ही 1.5 फीट इसका चौड़ाई है, लंबाई इसका है 3 फीट है, तो 1.5x3 हुआ। पाटा तो है 7x4 का, पाटा का चौड़ाई है आपको 4 फीट, तो इसमें आप 4 फीट का भी डी अगर लगाते हैं तो पूरा सेटेबल हो जाएगा। और 3 फीट का भी लगाते हैं तो आपको 3 फीट भी सेटेबल हो जाएगा, जो आपके पास अवेलेबल है 4 फीट हो या 3 फीट हो वो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो 4 फीट भी है या 3 फीट भी है, लेकिन हम आपको 3 फीट का ही लगा करके दिखाते हैं कि हाफ डी आप पाटा में, खड़ा पाटा में हाफ डी आप कैसे लगावें। पाटा तो नीचे गिरा करके हाफ डी लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, खड़ा पाटा में हाफ डी कैसे लगता है और उसमें कपड़ा कैसे लगाया जाएगा और गार्डन कैसे किया जाएगा। तो इसका आज का वीडियो इसी पे है कि इस स्टेज को थोड़ा रीमॉडलिंग करना है बस, और कुछ नहीं, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, बस अंदर से जो है थोड़ा सा हल्का सा इसको रीमॉडलिंग करना है, जो ज़्यादा समय भी नहीं लगे आप देखने में अच्छा भी लगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक साइड से पूरा खाली खाली है, अंदर में बॉक्स में पूरा खाली खाली नज़र आए तो आपको खाली नज़र नहीं आएगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हाफ डी आप खड़ा पाटा में हाफ डी आप कैसे लगाइएगा देख लीजिए। अगर आप सिंगल आदमी हैं उस तो इसमें डबल आदमी का काम है, दो आदमी का काम है, लेकिन आप सिंगल है तो सिंगल आदमी कैसे हाफ डी में पाटा लगाता है, हाफ पाटा में हाफ डी लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं। पहले सबसे पहले तो आप दोनों साइड से जो है इसको टेक लीजिए, देख लीजिए सिंगल आदमी हाफ डी कैसे लगाया जा रहा है पाटा में, देख रहे हैं मात्र सिंगल ही है, थोड़ा सिंगल आदमी से हाफ डी लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी इस हिसाब से आप अपना, अगर सिंगल भी है आप तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। दोनों साइड से आपको बांध देना है, देख लीजिए इस साइड से भी बांधा गया है, उस साइड से भी बांधा गया, तार से दोनों साइड से इसको बांध दीजिए। तार से दोनों साइड से बांधने के बाद जो बी सेंटर में इसको ले लीजिए, देख लीजिए बी सेंटर में। कभी ऐसा स्थिति हो जाए कि सिंगल आदमी हो आदमी ना हो, तो इसके कारण जो है आप जो है मतलब अपने से भी काम कर सकते हैं। अगर सिंगल होंगे तो कोई अगर हेल्पर नहीं मिले या किस तरह कोई बात हो जाए तो आप खुद से भी काम कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोनों साइड से, सबसे पहले तो दोनों साइड से तार से बांध दिए, ये मात्र 3 फीट का डी लग रहा है, इसमें 4 फीट का भी डी लगा सकते हैं क्योंकि पाटा 4 फीट का है। 4 फीट के पाटा में वो बात आप समझ लीजिए कि 4 फीट के पाटा में 3 फीट का डी लगा सकते हैं, लेकिन 3 फीट के पाटा में 4 फीट का डी नहीं लगा सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों साइड से बांधने के बाद जो बी सेंटर में आपको तार लगाना है, और तार लगाने के बाद उसको पाटा के कपड़ा में जो है, पाटा का जो कपड़ा लगा उस कपड़ा में बांध दीजिए और बांध करके इसको टान दीजिए। एक तरीका हुआ हाफ डी पाटा में हाफ डी लगाने का। एक तरीका और है, वो मैं आपको वो भी वीडियो में आपको अपलोड करके दिखा दूंगा कि पाटा में आप दूसरा तरीका से
पाटा में दूसरा तरीका से आप हाफ डी कैसे लगावे, वो एकदम सिंपल तरीका है लेकिन उसमें थोड़ा खर्चा है। अगर सिंपल जितना सिंपल से सिंपल काम जो बहुत जल्द काम हो जाए उस तरह का अगर काम कीजिएगा तो आपको उसमें खर्चा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको उसमें खर्चा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि टाइम लग रहा है तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगाना पड़ेगा। तार उसे बहानिए, तार से बहाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इसमें आपको चाहते हैं कि काम भी तुरंत हो जाए और खर्चा काम अगर तुरंत होगा तो खर्चा हल्का बढ़ेगा ही। तो ऐसा क्या इसमें सिस्टम लगाना है, हाफ डी में हो या पाटा में हो, ऐसा क्या सिस्टम लगाना है, ऐसा क्या सिस्टम लगा करके रखना है जो तुरंत पाटा में 2 से 3 मिनट के अंदर में आपका पाटा लग के हाफ डी लग करके तैयार हो जाएगा। तो इस पर भी मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए कि तार से आप पाटा में हाफ डी कैसे टेका जा रहा है। सेम वही सिस्टम है, दोनों साइड से एगो तो पाटा का जो पील पाटा का जो को पाइप होता है वो पाइप में बांध लें और एक साइड से जो है कपड़ा में बांध लें। चूँकि पाटा का साइज 3 फीट ही है, पाटा का साइज आपका 3 फीट ही है, और सॉरी हाफ डी का साइज आपका 3 फीट है और पाटा का जो साइज है 4 फीट है। इस बात को ध्यान रखना है कि पाटा का साइज आपका हो गया 4 फीट और डी का हाफ डी का जो साइज है आपका है 3 फीट है। इसलिए एक साइड से आप लोहा में बांध दीजिए पाटा के लोहा में और एक साइड से जो है आप कपड़ा में बांध दीजिए। अगर सेम ही रहेगा दोनों, 4 फीट का पाटा भी रहेगा 4 फीट का डी रहेगा, तो दोनों साइड से आप पाटा के लोहा में ही बांधा जाएगा। पाइप में जो रहता है वही पाइप में बांधा जाएगा। छोटा होने के कारण जो है एक साइड से पाइप में और एक साइड से कपड़ा में बांधा जा रहा है। कपड़ा में पाटा हाफ डी में पाटा में हाफ डी लगने के बाद जो है इसको आराम से कपड़ा से रख ले। देख ले फेस्टिंग कपड़ा जो है कैसे लगाया जाता है। अभी फिलहाल ऐसा ही आपको रख देना है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए सेंटर में खींच लीजिए इसको, और जहाँ सेंटर में आपको बांधना है पाटा के चारों पाटा के जो बीच में जो सेंटर हुआ, चार को पाटा इसमें लगा हुआ, चारों पाटा का जो बीच का जो सेंटर है बीच सेंटर में कपड़ा को फोल्ड करके हल्का सा बांध ले दोनों साइड से। रीमॉडलिंग आपको इसी तरह से करना है, ठीक है ना। 12x7 का जो अगर आपको रीमॉडलिंग करना होगा तो आपको इसी तरह से करना है। देख लीजिए बांध दिए हैं, बांधने के बाद जो है जो नीचे जो देख रहे हैं कि खाली जगह लग रहा है, हाफ डी में जो कपड़ा लगा हुआ है नीचे जो देख रहे हैं जो खाली जगह लग रहा है, तो पहले आप इसको ठीक कर ले। इसको ठीक कैसे किया जा रहा है सो आप देख लीजिए इसको कैसे ठीक किया जाएगा। हल्का सा कपड़ा को ऊपर खींचा जाएगा, देख लेना, हल्का सा कपड़ा को ऊपर खींचा जाएगा। खींचने के बाद जो है इसको आराम से ठीक कर दीजिए। सेंटर में लिया है कपड़ा को, बस सेंटर में लिया है कपड़ा को, इस तरह से ठीक कर दिए इसको। ठीक करने के बाद जो इसमें उसी लगाइए, उसी लगाने के बाद इसमें जो गार्डन जैसे जो गार्डन किया जाता है, ऑर्किड का गार्डन हो या फ्लावर का आर्टिफिशियल फ्लावर का गार्डन हो, जो भी गार्डन हो जो फ्लावर आपके पास अवेलेबल है फ्लावर का गार्डन आप कर सकते हैं। तो एगो पाटा में एगो हाफ डी में देख लिए हैं, हाफ डी में कपड़ा भी लग चुका है और हाफ डी बना भी चुका है। अब इसमें उसी लगा करके गार्डन किया जाएगा, तो पहले आप दूसरा हाफ डी भी तैयार कर ले। दूसरा साइड भी जो हाफ डी आपको लगाना है उसको भी आप पहले तैयार कर ले, उसके बाद जो है इसमें उसी बना करके डेकोरेशन किया जाएगा। डेकोरेशन कैसे करना है, फ्लावर कैसे लगाना है, तो आप लोगों को पता ही है। इसी हिसाब से आपको देख लीजिए, यही हिसाब से सेम टू सेम वही कार्बन कॉपी करना है, जिस साइड से उस तरह से किए थे उसी हिसाब से इसे भी करना है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिल पाता है, कोई भी वर्किंग का काम आपको चाहिए, जैसे कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है, पाटा में हाफ डी कैसे लगता है, या उस इसमें जाली कैसे लगेगा, या फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, स्टेज कैसे सजाना है, या कोई भी तरह का अगर आपको वर्किंग काम चाहिए, काम सीखने वाला चाहिए, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो का लिंक है। मेरी बात को समझिएगा, हर एक वीडियो का लिंक है। अगर आपको वर्किंग सीखना है, काम सीखना है, तो वेडिंग वर्किंग फ्लावर डेकोरेशन के नाम से लिंक होगा, उस पर जाइएगा। उसमें आपको टोटल जो है वर्किंग का ही काम होगा, टोटल वर्किंग का ही काम होगा। जो ऑल डिटेल का जो वीडियो डालते हैं उस टोटल का टोटल वीडियो उसी में होगा। उसको जा करके वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी वीडियो आपको चाहिए, चाहे गेट कैसे खड़ा करना है, गेट में कपड़ा कैसे लगाना है, पाटा में कपड़ा कैसे लगाना है, उसी में जाली कैसे लगता है, फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है, चाहे वो ऑर्किड का गार्डन हो या कार्नेशन का गार्डन हो, वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी वीडियो आपको चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। पिलर पाटा कैसे बनाना है, कितना बाय कितना का बनाना है, स्टेज कैसे बनाना है, सेटरिंग स्टेज जो होता है, सेटरिंग स्टेज वो आपको कैसे बनाना है,
वो टोटल का टोटल वीडियो वहाँ अपलोड है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा फाइनल वीडियो हम देखें, पूरा फाइनल वीडियो, जैसे कि पूरा डेकोरेशन हो जाने के बाद जो पूरा फाइनल वीडियो होता है पूरा लाइट उट लगने के बाद, तो उस तरह का वीडियो भी अपलोड है। आपको स्टेज डेकोरेशन उसमें लिखा हुआ होगा, उसके नीचे जाइएगा तो स्टेज डेकोरेशन लिखा हुआ होगा, स्टेज फ्लावर डेकोरेशन, उस पर लिंक पे जाना है, वहाँ से आपको लिंक क्लिक करना है और वहाँ से आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। इसी तरह का हर एक तरह का वीडियो, स्टेज का हो गया, स्टेज गेट मंडप और गैलरी, स्टेज गेट मंडप गैलरी तीनों चीज़ का भी वीडियो अगर चाहते हैं एक साथ देखने के लिए तो उसका भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपको मंडप का डेकोरेशन देखना है तो मंडप का डेकोरेशन भी देख सकते हैं। मंडप का डेकोरेशन कैसे किया जाता है, मंडप आर्टिफिशियल मंडप जो होता है, आर्टिफिशियल मंडप कैसे किया जाता है, कैसे डेकोरेशन किया जाता है, उसमें कितना बाय कितना का पिलर हो, पाटा हो या कपड़ा हो, फ्लावर जो भी हो, ए टू जेड डिटेल आपको मिल जाएगा ऑल वेडिंग फ्लावर डेकोरेशन में, ऑल वेडिंग वर्किंग फ्लावर डेकोरेशन में आपको मिल जाएगा, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया गया है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अभी आप पूजा का समय आ रहा है, इस महीने के बाद अगर मान के चलो दुर्गा पूजा का समय है तो दुर्गा पूजा का भी अगर फ्लावर का डेकोरेशन देखना चाहते हैं तो उसका भी डेकोरेशन है, उसका भी डेकोरेशन ऑल पूजा फ्लावर डेकोरेशन के नाम से वीडियो लिंक होगा, वहाँ से भी आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो समझ गए, आपको लिंक पे जाना है, आपको जो वीडियो आपको पसंद हो वहाँ से आपका पता, अगर चैनल से वीडियो नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, कि चूँकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ पूरा डिटेल के साथ अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो डेकोरेशन करने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जो काम करते हैं चाहते हैं कि और कोई भी काम हो जो जिसके पास मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा हो वो लोग भी देखे समझे कि इस तरह का काम हम करना चाहते हैं। देख लीजिए, काम तो बहुत कोई करना चाहता है लेकिन हर एक आदमी के पास उस तरह का वीडियो नहीं पहुंच पाता है या उस तरह का नॉलेज नहीं होता है। इस कारण अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो आप भी काम कर सकते हैं और आपके थ्रू जो है और कोई भी काम सीख सकता है और काम कर सकता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भैया हम भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो उसको तो मैं बता ही देता हूँ कि ऐसे ऐसे करके लिंक पर जाना है, वहाँ से आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं। या जो भाइयों को अगर काम सीखना हो प्रेजेंट में, जो भाइयों को अगर काम सीखना हो फेस टू फेस, तो वो नवंबर में आइए, नवंबर से लगन शुरू है, छठ के बाद जो नवंबर आता है नवंबर से लगन शुरू है, नवंबर में आइए आप, यहाँ आपको रहने का व्यवस्था दिया जाएगा और सिखाने का चार्ज लगेगा। एक बात समझ लीजिएगा, सिखाने का आपको चार्ज लगेगा, जो भी चार्ज लगेगा मैं आपको बता दूँगा, आने से पहले आप हमको कॉल कीजिएगा कब आना है तो मैं आपको बता दूँगा, जब मेरा बुकिंग सब हो जाएगा नवंबर से शुरू होगा लगन तो मैं आपको बता दूँगा, तो आपको आना है। रहने का फ्री रहेगा, रह सकते हैं आप, रहने का व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन खाना और महीना का जो पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। एक महीना का ट्रेनिंग रहेगा, एक महीना का ट्रेनिंग में आप आराम से सीख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं तो, अगर सीखना चाहते हैं तो एक महीना का ट्रेनिंग में आप आराम से सीख सकते हैं। तो आराम से आइए नवम्बर में। कमेंट तो बहुत भाई करते हैं कि भाई हमको सीखना है लेकिन अभी उतना जगह नहीं है मेरे पास, अवेलेबल जगह नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊं समझाऊं। ऐसे ही मैं आपको गोदाम पर ही वीडियो बना करके, बस छोटा सा ही जगह है, इसमें मैं आपको वीडियो बना करके बता रहा हूं, सिखाता हूं कि इस तरह से आप वीडियो इस तरह से आप डेकोरेशन कीजिए, चाहे वो गेट का डेकोरेशन हो या स्टेज का डेकोरेशन हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप फेस टू फेस सामने में आ करके अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो नवम्बर में आइए, आपको नवम्बर में टोटल व्यवस्था दिया जाएगा, रहने का भी, बस खाना का पैसा और आपको जो सिखाने का जो मेरा जो मिस्त्री रहेगा, जो मिस्त्री जो आप लोगों को सिखाएंगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। महीना में दीजिए या रोज़ में दीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप समझ गए, तो इसी तरह का चैनल पे बने रहिएगा, इस तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा डिटेल के साथ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए, यही रीमॉडलिंग हुआ, तीन गो इसमें मात्र हमने जो है तीन गो हाफ डी लगा दिया है, तीन फीट का मात्र तीन गो हाफ डी लगा हुआ है, तीन फीट का, जिसमें दोनों साइड से डेकोरेशन किया गया है, एक साइड से डेकोरेशन आप